जय श्री राम। आप सभी को स्वागत है एसकेटी फैंटेसी चैनल में। आज हम बात करने वाले यूपी कबड्डी लीग का फाइनल मैच के बारे में, एलएल वर्सेस एसएस का फाइनल मैच के बारे में और डेट एंड टाइम के बारे में बात करें तो आज रात को 8 बजे को मैच स्टार्ट होगा और मैं आपको छः ग्रैंड लीग टीम आपको मैं लाइव में बना कर दिखाऊँगा। आप 100% मनी ईजिली से अर्न कर लेंगे। पहले आपको मैं पहला ग्रैंड लीग टीम के बारे में बात की तो पहले मैंने ग्रैंड लीग टीम में डिफेंडर्स में देखा है तो मैंने अमन को पिक कर लूँगा और यम धीरज पाल मलिक को पिक कर लूँगा। पूरा 2 डिफेंडर्स को पिक कर लिया पहला ग्रैंड लीग टीम में और सौरभ को मैंने पिक कर लिया। टोटल 3 डिफेंडर्स को पिक कर लिया हूँ। और ऑलराउंडर्स के बारे में बात की जाए तो ऑलराउंडर्स में देखा जाए तो मैंने एन पवार को पिक कर लिया हूँ, एक ही ऑलराउंडर को पिक किया हूँ। और राइडर्स में देखा है तो राइडर्स मैंने अर्जुन देसवाल को पिक कर लिया हूँ और ए मलिक को पिक कर लिया हूँ। पूरा मैंने 2 राइडर्स को पिक कर लिया हूँ फिलहाल के लिए। और ऑलराउंडर में देखा है तो मैंने 1 ऑलराउंडर को पिक किया और डिफेंडर्स में 3 डिफेंडर। अभी भी 1 प्लेयर बाकी है, देखेंगे हमको किस प्लेयर को पिक करना है। मैंने सौरभ को निकाल के वी कुमार को पिक कर लिया हूँ। टोटल मैंने 3 डिफेंडर्स को पिक कर लिया हूँ। अभी भी 1 प्लेयर बाकी है। ऑलराउंडर्स में देखा जाए तो ऑलराउंडर्स में अभी तक देखा है तो लास्ट मैचेस में स्टार्टिंग 7 में कोई भी नहीं है और ये पावर को हम लोग पिक कर लिए पहनवान पर को। इनका स्टैट्स के बारे में बात करें तो लास्ट मैच में बेंच में थे, नहीं खेले गए थे प्लेइंग 7 में। और मैं हर प्लेयर का भी स्टैट्स आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले एम अमन के बारे में बात की तो अमन का लास्ट 3 मैचेस का स्टैट्स के बारे में बात करें तो अमन ने लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए तो लास्ट 3 मैच में 2 ड्रीम टीम किए हैं। और इनका लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात की तो लास्ट मैच में टोटल 3 टैकल पॉइंट किए थे अमन ने। और धीरज पाल के बारे में बात करें तो धीरज पाल का लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए तो लास्ट 3 मैचेस में इनका भी 2 ड्रीम टीम किए हैं। और इनका लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करें तो इनका भी 3 टैकल पॉइंट है लास्ट मैच में। और वी कुमार के बारे में बात की तो वी कुमार का लास्ट 3 मैचेस में देखा है तो वी कुमार को लास्ट 3 मैच में इनका 1 ड्रीम टीम किए थे। और इनका लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात की तो वी कुमार का लास्ट मैच में टोटल 1 ही टैकल पॉइंट किए थे। भले ही लास्ट मैच में फ्लॉप गए लेकिन वी कुमार एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनको आप 100% भी पिक कर लेना। पहला कराने टीम में मैंने 3 डिफेंडर को पिक किया, 3 डिफेंडर के स्टैट्स आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। और ऑलराउंडर में देखा है तो मैंने 1 ऑलराउंडर को पिक किया एन पवार को। और इनका लास्ट 3 मैचेस के स्टैट्स के बारे में बात करें तो इनका लास्ट 3 मैचेस में इनका लास्ट 3 मैच 2 मैचेस खेले उसमें 1 ड्रीम टीम किए थे लास्ट मैच में। और लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करें तो टोटल 5 राइट पॉइंट लिए थे और कमाल का राइडिंग किए थे लास्ट मैच में। पूरा मैंने 1 ऑलराउंडर को पिक कर लिया। और राइडर्स में देखा है तो मैं 3 राइडर्स को पिक किया। पहला ग्रैंड टीम में अर्जुन देसवाल को, अर्जुन देसवाल सेमीफाइनल में कमाल का राइडिंग किए थे लास्ट मैच, इनका ड्रीम टीम किए थे। और लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात की तो 8 राइट पॉइंट लिए थे, 2 बोनस और 2 टैकल पॉइंट भी किए थे। कमाल का राइडर अर्जुन देसवाल को 100% पिक कर लेना। और ये मलिक के बारे में बात की तो मलिक के बारे में बात की तो लास्ट 3 मैचेस में इनका देखा है तो 2 ड्रीम पॉइंट किए थे, 1 मैच में प्लेइंग 7 में नहीं थे, रेस्ट दिए गए थे। और इनका लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात की तो 14 राइट पॉइंट प्लस 3 बोनस लिए थे। कमाल का राइडर है, इनको भी आप 100% पिक कर लेना। और ये पावर के बारे में बात किया, पानवर के बारे में बात की तो लास्ट 3 मैचेस में 3 मैचेस में 2 मैचेस में बेंच में थे और 1 मैच में खेले थे और उस मैच में इनका ड्रीम टीम गए थे। इनका राइडिंग पॉइंट के बारे में बात की तो राइडिंग पॉइंट 6 राइट पॉइंट लिए थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट राइडर है। अगर ये खेलते हैं तो इनको आप 100% पिक कर लेना। पहला ग्रैंड टीम में मैंने 3 डिफेंडर, 1 ऑलराउंडर और 3 राइडर को पिक कर लिया हूँ। और कप्तान और कप्तान के बारे में बात की तो मैंने कप्तान पिक कर लूँगा ये मलिक और वाइस कैप्टन में अर्जुन देसवाल को। मैंने आपको कप्तान वाइस कैप्टन का नाम भी बता दिया हूँ पहला ग्रैंड टीम में। अब मैं पहला ग्रैंड टीम को मैं सेव करके रख लिया हूँ। मैंने आपको मैं 6 ग्रैंड टीम लाइव में बनाकर दिखाऊंगा, एक आपको मैं ग्रैंड टीम लाइव में बनाकर दिखा दिया हूँ। अब दूसरा ग्रैंड टीम के बारे में बात की जाए तो दूसरा जीएल टीम के बारे में बात की तो मैंने डिफेंडर से पिक कर लूँगा एम धीरज पाल को और वी कुमार और सौरभ को मैंने पिक कर लिया हूँ और अमन को। टोटल मैंने 3 डिफेंडर सेम डिफेंडर्स को पिक किया और तीनों डिफेंडर्स का आपको मैं स्टैट्स भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब ऑलराउंडर्स में देखा है तो ऑलराउंडर्स में हम लोग पिक कर लेते हैं। ऑलराउंडर्स के बारे में बात करें तो मैंने इस बार ऑलराउंडर में एन पावर को पिक कर लिया, टोटल मैंने 2 राइडर 1 ऑलराउंडर को भी पिक कर लिया। और राइडर्स के बारे में बात की तो राइडर्स में अर्जुन देसवाल और मलिक को पिक कर लिया, टोटल मैंने फिर से 2 राइडर को पिक किया सेम राइडर्स को। और इस बार मैंने 1 ऑलराउंडर एन पावर को मैंने अवॉइड करके इस बार मैंने पिक कर लेता हूँ ए शर्मा के स्टैट्स के बारे में बात की तो शर्मा जी का देखा जाए तो लास्ट 3 मैचेस में 2 मैच इनका ड्रीम टीम गए हैं। और लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात की तो टोटल 1 ही टैकल पॉइंट किए थे, भले ही फ्लॉप जा रहा है लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट है ऑलराउंडर है, मैंने 1 ऑलराउंडर को पिक कर लिया। अब राइडर्स के बारे में बात की तो मैंने राइडर्स में पिक करूँगा 1 और राइडर्स तोमर को मैंने पिक कर लिया, टोटल मैंने 3 राइडर्स को पिक कर लिया। मलिक और अर्जुन देसवाल को स्टैट्स आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया। तोमर के बारे में बात की तो तोमर का लास्ट 3 मैचेस में 2 इनका भी 1 ड्रीम पॉइंट किए थे
लास्ट मैच में, लास्ट मैच इनका स्टैट देखा था 9 राइट पॉइंट लिया था, ये भी कमाल का राइडर है। टोटल मैंने सेकंड जीएलटी में भी मैंने टोटल 7 प्लेयर को पिक कर लिया। अब कप्तान वाइस कप्तान के बारे में बात करें तो इस बार मैंने अर्जुन देसवाल को कप्तान में पिक कर लिया और वाइस कप्तान में ए मालिक को। इस बार रिवर्स किया हूँ मैंने, कप्तान वाइस कप्तान में दूसरा ग्रैनल टीम है और मैं दूसरा ग्रैनल टीम को भी मैंने सेव करके रख लिया हूँ। पूरा मैंने दो ग्रैनल टीम आपको मैं लाइन में बनाकर दिखा दिया हूँ। अब तीसरा ग्रैनल टीम के बारे में बात करें तो तीसरा ग्रैनल टीम में मैंने वी कुमार को पिक कर लिया और सौरभ को पिक कर लिया। इस बार मैं तीसरा ग्रैनल टीम में थोड़ा मैं रिस्क ले रहा हूँ। तीसरा ग्रैनल टीम में मैंने दो डिफेंडर्स को पिक किया और एस तोमर को पिक कर लिया। टोटल मैंने 3 डिफेंडर्स को पिक कर लिया और ऑलराउंडर में एन पावर को मैंने पिक कर लिया। और राइडर्स में देखा है तो राइडर्स में मैंने एस मलिक को पिक कर लेता हूँ और यश कुमार को और अर्जुन देसवाल को। टोटल मैंने 3 राइडर्स को पिक कर लिया पूरा मैंने। और एस कुमार का स्टैट्स के बारे में बात की थी, एस कुमार का लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए तो लास्ट मैच भले ही फ्लॉप गए हैं, 4 राइट पॉइंट लेते और 1 बॉनस, टोटल 5 पॉइंट लेते एस कुमार। लेकिन एस कुमार भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। मैंने आपको एस कुमार, अर्जुन देसवाल, असुम और एम मालिक का भी स्टार्ट आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ और एन पावर का भी स्टार्ट एक्सप्लेन करती हूँ। डिफेंडर्स में मैंने तीनों डिफेंडर्स को देखा जाए तो मैंने वी कुमार का स्टार्ट के बारे में बात करें तो वी कुमार लास्ट 3 मैचेस में देखा जाए तो 1 ड्रीम पॉइंट गए थे और लास्ट मैच इनका डिफेंस पॉइंट्स के बारे में बात करें तो 1 डिफेंस पॉइंट लिए थे। और सौरभ के बारे में बात करें तो सौरभ का लास्ट 3 मैचेस में तीनों मैचेस में दो मैचेस में इनके ड्रीम पॉइंट किए हैं। लास्ट मैच इनका स्टैट्स के बारे में बात करें तो टोटल 2 टैकल पॉइंट किए थे सौरभ ने। और तो एस तोमर के बारे में बात करें तो तोमर का स्टैट्स देखा है तो लास्ट 3 मैचेस में इनका 1 ड्रीम पॉइंट किए थे, लास्ट मैच में देखा जाए तो 1 टैकल पॉइंट किए थे एस सूरज तोमर ने। टोटल मैं 3 डिफेंडर्स को पिक कर लिया, 1 ऑलराउंडर, 3 राइडर्स को। ये मेरे तीसरा ग्रैनल टीम है। तीसरा ग्रैनल टीम के बारे में बात की तो तीसरा ग्रैनल टीम में मैंने एस कुमार को मैंने कप्तान में पिक कर लिया और वाइस कप्तान के बारे में बात की तो वाइस कप्तान में मैंने ए सौरभ को मैंने वाइस कप्तान में पिक कर लिया हूँ। ये मेरा तीसरा ग्रैनल टीम है। तीसरा ग्रैनल टीम में मैंने थोड़ा रिस्क प्लेयर को पिक किया हूँ और मैं तीसरा ग्रैनल टीम को भी मैंने सेव करके रख लिया हूँ। ये मेरा तीसरा ग्रैनल टीम है। तीसरा ग्रैनल टीम में मैंने सेव करके रख लिया हूँ। चौथा ग्रैनल टीम के बारे में बात करें तो चौथा ग्रैनल टीम में मैंने इस बार और देखा जाए तो डिफेंडर्स में मैंने ए सौरभ को पिक कर लेता हूँ और एम अमन को। पूरा मैंने 3 डिफेंडर्स, 2 डिफेंडर्स को पिक कर लिया, दोनों डिफेंडर्स इंपॉर्टेंट डिफेंडर्स है। और राइडर्स के बारे में बात की तो राइडर्स में देखा जाए तो मैंने 3 राइडर्स को पिक करूँगा, अर्जुन देसवाल, ए मलिक और एस कुमार को। पूरा मैंने 3 राइडर्स को पिक कर लिया। और ऑलराउंडर्स के बारे में बात की तो मैंने ऑलराउंडर में एन चौधरी को पिक कर लिया। अभी भी एक प्लेयर बाकी है, मैंने शर्मा को पिक कर लिया। टोटल मैंने पूरा इस चौथा ग्रैनल टीम में भी 7 प्लेयर को पिक कर लिया, 7 प्लेयर के स्टैट्स आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। और इस टीम में कप्तान वाइस कप्तान के बारे में बात करें तो मैंने कप्तान में पिक करूँगा एम अमन को और वाइस कप्तान के बारे में बात करें तो वाइस कप्तान में मैंने ए मलिक को पिक कर लिया। ये मेरा चौथा ग्रैनल टीम है। चौथा ग्रैनल टीम में भी आपको मैं कप्तान वाइस कप्तान का नाम भी बता दिया और मैं चौथा ग्रैनल टीम को भी मैंने सेव करके रख लिया हूँ। और पांचवा ग्रैनल टीम के बारे में बात की तो पांचवा ग्रैनल टीम में देखा जाए तो मैंने एम अमन को पिक करूँगा और धीरज पाल मलिक को पिक कर लिया। पूरा मैंने देव डिफेंडर्स को पिक कर लिया। और ऑलराउंडर्स में देखा जाए तो मैंने ऑलराउंडर्स में भी लांबा को पिक करूँगा और राइडर्स में देखा जाए तो मैंने राइडर्स में पिक करूँगा इस बार अर्जुन देसवाल, एस कुमार को और एम तो भी तोमर को मैंने पिक कर लिया। अभी भी एक प्लेयर बाकी है, देखा जाए तो मैंने ऑलराउंडर में पिक कर लेता हूँ एन पाउंड को। और कप्तान वाइस कप्तान के बारे में बात की तो पांचवा ग्रैनल टीम है। मैंने पांचवा ग्रैनल टीम में पिक करूँगा कप्तान में एम धीरज पाल मलिक को और वाइस कप्तान के बारे में बात की तो वाइस कप्तान मैंने एम अमन को पिक कर लिया हूँ। ये मेरा पांचवा ग्रैनल टीम है। मैंने पांचवा ग्रैनल टीम को भी मैंने सेव करके रख लिया। अब आपको मैं 5 ग्रैनल टीम लाइव में बनाकर दिखा दिया हूँ। अब छठा ग्रैनल टीम के बारे में बात की तो उससे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर बाई मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरा टेलीग्राम चैनल शो नहीं होता तो टेलीग्राम में जाके इस तरह सर्च करते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। @SKDFantasy सर्च करते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको छठा ग्रैनल टीम भी लाइव में बनाकर दिखाता हूँ। छठा ग्रैनल टीम के बारे में बात करें तो छठा ग्रैनल टीम पहले हम लोग राइडर्स को पिक कर लेते हैं। राइडर्स में देखा था अर्जुन देसवाल, मलिक और यश कुमार। टोटल मैं 3 डिफेंडर्स को पिक कर लिया। ये मेरा है तीसरा ग्रैनल टीम में। और डिफेंडर्स में देखा तो मैं डिफेंडर्स में पिक करूँगा अमन को और धीरज मलिक को। टोटल मैंने 2 डिफेंडर्स को पिक कर लिया। और ऑलराउंडर्स के बारे में बात की तो ऑलराउंडर्स में मैंने शर्मा को पिक कर लिया। अभी भी एक प्लेयर बाकी है। अगर पी कुमार के बारे में बात की तो पी कुमार को लास्ट 3 मैचेस में देखा तो लास्ट 5-6 मैचेस से ये नहीं खेल रहे, इनको मैं अवॉइड कर रहा हूँ। और अभी भी एक प्लेयर बाकी है देखा जाए तो, और राइडर्स में देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी नहीं खेल रहे हैं। और मैंने डिफेंडर को पिक करूँगा एस तोमर को। मैंने एस तोमर को पिक कर लिया।
पूरा मैंने 7 प्लेयर को भी पिक कर लिया है छठा ग्रैंड टीम में भी। और अब इस बार कप्तान रस कप्तान के बारे में बात करें तो छठा ग्रैंड टीम में कप्तान रस कप्तान के बारे में बात करें, मैंने मालिक को कप्तान में पिक कर लिया और वाइस कप्तान में एम अमन को पिक कर लिया। ये मेरे छठा ग्रैंड टीम, मेरे छठा ग्रैंड टीम को भी आपको मैं कप्तान रस कप्तान का नाम भी बता दिया और छठा ग्रैंड टीम को भी मैंने सेव करके रख लिया हूँ। पूरा मैंने आपको मैं 6 ग्रैंड टीम लाइव में बनाकर दिखा दिया हूँ। और आपको मैं और लाइनअप अनाउंस होने के बाद आपको मैं फाइनल टीम 15 से 20 मिनट पहले आपको मैं टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करूँगा, इसीलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर बाय मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरे टेलीग्राम चैनल शो नहीं होता तो टेलीग्राम में जाकर @SKTFantasy सर्च करते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट शेयर और लाल वाला घंटी को जरूर दबाना। थैंक यू, जय हिंद।